अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे थे वॉलमार्ट, तो मैंने सोचा आज आपको वॉलमार्ट का विज़िट करवाऊं। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कैलकुली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन कुछ दिनों से मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है। स्नो भी जो है वो मोस्टली जो है वो मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो मौसम जब इस तरह का होता है तो हम बहुत ही इन्जॉय करते हैं। तो आज हम जा रहे थे शॉपिंग के लिए वॉलमार्ट, तो मैंने सोचा आपको भी वॉलमार्ट का विज़िट करवाऊँ। तो गाड़ी हमने लगा दी थी पार्किंग में, उसके बाद फिर हम अंदर जा रहे थे। ट्रॉली ली हमने और हमें चाहिए थे कुछ घर की चीज़ें। हमारा जो माइक्रोवेव है वो ख़राब हो गया था, तो हमने यहाँ से माइक्रोवेव बाय करना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर वैरायटी। ये देखिए वैलेंटाइन आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट पैट आए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट जो है वो कंपनी के माइक्रोवेव हैं और इनके प्राइजेस भी आप देख सकते हैं, तो प्राइजेस काफ़ी हाई थे। और ये एयर फ्रायर है, ये देखिए बहुत ही जो है ना वो एक्सपेंसिव लगे हुए थे। तो इनमें से फिर हमने एक चूज़ कर लिया था माइक्रोवेव, ये देखिए आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, पैनासोनिक के हैं, इसके बाद और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, चाइना के भी हैं। तो जो भी आपको मतलब रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो हमने जो है वो ये वाला लिया था, ये वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है इसके और बहुत ही जो है वो यूज़फुल है। हमने इसको यूज़ किया तो ये बहुत ही अच्छा है। घर आकर मैंने इसको ओपन किया और इसको स्टार्ट किया तो ये अच्छा जो है वो मिल गया था हमें। तो इसके बाद बच्चों को अपने लिए चाहिए थे टीथ ब्रश, तो हम ब्रश वाली साइड पर चले गए थे, क्योंकि यूजली मैं शॉपिंग जो है वो सुपर स्टोर से करती हूँ, वॉलमार्ट से मैं कम जो है वो चीज़ें लेती हूँ। होम अप्लाइंसेज और थोड़ी बहुत जो बच्चों की शूज़ वगैरह होते हैं वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो घर की ग्रॉसरी है वो मैं सुपर स्टोर से करती हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह कभी। तो बच्चों को यहाँ पर जो है वो ब्रश पसंद आ गए थे, तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के ब्रश चूज़ किए। इनके पास एक्चुअली में इलेक्ट्रिक ब्रश है, लेकिन अब इनका दिल भर गया और काफ़ी टाइम हो गया इनको यूज़ करते हुए, तो अब ये ब्रश चेंज करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा आप सिंपल जो ब्रश हैं वो ले लो। तो इसके बाद फिर हम चले गए थे टॉयज़ वाले सेक्शन में, क्योंकि बच्चों को चाहिए था रूबिक्स क्यूब और ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हमने लेना है, तो फिर हम उस वाले सेक्शन में चले गए थे। वॉलमार्ट बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं, मतलब एक टाइम में मैं आपको इसकी सारी चीज़ों का विज़िट नहीं करवा सकती। ऐसा ऐसा मैं आपको इसके डिफरेंट जो पोर्शंस हैं उसके व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। मेकअप का यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मेकअप की वैरायटी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी टाइम से हम इनके लिए रूबिक्स क्यूब ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था, तो फिर हमने यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने फिर हमें फाइंड करके दिया कि किस सेक्शन में पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, तो सारी तरफ अगर आप घूमते रहें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेटर है कि आप जहाँ जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, तो वो आपको उस वाली ऑयल का नंबर बता देंगे कि आप इस लाइन में चले जाएँ और यहाँ पर से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो यूजली हम यहाँ आते रहते हैं, लेकिन जब कोई आपको स्पेशल चीज़ चाहिए हो तो उसके लिए फिर आपको काफ़ी ढूंढना पड़ता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज़ थे, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो वो तो इनको देखते भी नहीं हैं बिल्कुल भी, अब उनको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो टॉयज़ लेने के बाद फिर हम लोग चले गए थे दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पर जो देखिए शूज़ की जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी है, लेटेस्ट समर कलेक्शन यहाँ पर आई है, ये देखिए, क्योंकि विंटर जो है वो ख़त्म हो गया है और जो समर की कलेक्शन है वो आना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्योंकि फैब है, फैब में बहुत जल्दी ये समर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ले आते हैं और विंटर की चीज़ें ये ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए विंटर की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर क्लियरेंस सेल लग गई है, तो यहाँ से हमने स्लीपर्स बाई किए घर के लिए, बच्चों ने पहनने थे और
मैंने अपने ले लिए। उसके बाद फिर बस अब हम सेल्फ पे काउंटर पे चले गए, क्योंकि फ्रेंड्स जो आप दूसरे काउंटर पे जाते हैं वहाँ पर काफ़ी रश होता है, तो सेल्फ़ पे काउंटर का ये होता है कि यहाँ पर आपको रश नहीं होता और आपने बस खुद ही पे करना होता है, चीज़ें स्कैन कर लें और उसके बाद फिर आप उसको जो है वो पे कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें बाई की, इनको स्कैन किया। पे करने के बाद मैं थोड़ा वेट कर रही थी क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो है उनको पे करना था, तो मेरे हस्बैंड वो कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ही वॉलमार्ट में इन्होंने मैकडोनल्ड्स बनाया हुआ है, यहाँ से आप फ्रेश फूड लें, उसको गरम गरम वहाँ पे इंजॉय करें। तो ये देखिए सारे काउंटर हैं, पे करने के बाद हम बाहर जा रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए स्कैनर लगे हुए हैं, अगर आप कोई भी चीज़ पे किए बगैर बाहर जाएंगे तो ये स्कैनर में बीप शुरू हो जाएगी, ओके, आपने किसी भी चीज़ का अगर पे नहीं किया। तो जी अब हम जा रहे थे घर। देखिए कितना अच्छा मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी बस स्नो रह गई है, ऑलमोस्ट सारी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।